हेलो गाइस, वेलकम टू आरके बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते आते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर में से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। अगर आपने अभी तक जो हमारे तीन पार्ट हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हैं डिस्कस किए हैं, ठीक है, उनको नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है बेसिकली, हम जानते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पोजिशन है आप जानते होंगे। अगर ये एक सपोज करिए ये बॉडी है, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, एंटीरियर पोजीशन होगी, ठीक है, हेड उसका एंटीरियर होगा और टांगे जो है वो पोस्टीरियर में होंगी, ठीक है। अगर आपको यार ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीरियर पार्ट कौन सा होता है और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होता है। एंटीरियर कौन सा होता है, ये वाला अपर, ठीक है, और ये कौन सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एंटीरियर पार्ट के किडनी में, हर हम जानते हैं दो किडनी होती है ह्यूमन बींग में, तो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, किडनी के ऊपर क्या होता है एंटीरियर पार्ट में, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और अगर एड्रिनल ग्लैंड को देखें हम, और एड्रिनल ग्लैंड को देखें तो एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है कि दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रली, अगर हम किडनी की बात करें, इसके अंदर, इसको अगर हम क्या करें, कट करें ट्रांसेक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा, कौन से प्रेजेंट होंगे, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला, इनर पार्ट में कौन से होंगे, एड्रिनल मेड्यूला, और आउटसाइड में कौन से होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हमें याद रखना है, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम, डायग्राम कैसी है इसकी, डायग्राम में हमें क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है भाई कि क्या है ये, इसकी यहाँ पे जो है ये किडनी है, ठीक है, और ये किडनी है, किडनी में क्या है, यहाँ पे देखिए एड्रिनल ग्लैंड, जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, और यहाँ पे उसके नीचे जस्ट बिलो क्या है, उसके फैट की लेयर है, ठीक है। तो हो सकता है आपको डायग्राम में प्रिडिक्शन करने के लिए आ जाए, ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए आ जाए, भाई प्रिडिक्ट करो कि डायग्राम में क्या क्या दिखाया है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ट्रांजेक्शन देखी है इन्होंने, किडनी को कट किया है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें क्या है, जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट है, इसको हमने कहा कि दो टाइप के टिश्यू से बना है, तो दो टाइप के टिश्यू कौन सा है, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब चलिए हम देखते हैं ये नेक्स्ट, जो इसका इसका जो पार्ट एड्रिनल है, ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, और सिक्रीट कहाँ से करता है, हमने दो पार्ट पढ़े, दो टाइप के टिश्यू पढ़े, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला जो है उसको हम डिस्कस करेंगे पहले, एड्रिनल मेडुला जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन से, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं हम, एपिनेफ्रिन, याद रखिएगा, और नॉर एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। आई होप आपको लग गया होगा पता, दो हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनल मेडुला, कौन कौन से, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, और इनके दो नाम हैं, इनको एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इनको हम दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कैटिकोलामाइन, ठीक है, कैटिकोलामाइन भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए कैटिकोलामाइन, ठीक है। और हमें याद रखना है ये एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं, और स्ट्रेस के टाइम, ठीक है, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, ठीक है, उस टाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और एमरजेंसी के टाइम, ठीक है, एमरजेंसी सिचुएशन कैसे, जब आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे कुछ भी, या कुत्ता हो गया, ना कुछ आपके पीछे लगता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, इन्हीं को कहते हैं हम एमरजेंसी सिचुएशन, उसी टाइम ये सिक्रीट होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये हमारी क्या करेंगे, हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे, ये ठीक है, ऑल्टरनेटिव फंक्शन करेंगे, तो तभी इनको कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, ये भी कहते हैं। और ये करते क्या है बेसिकली, अलर्टनेस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, पुपुलरी डायलेशन करते हैं, पाइलोर एक्शन, हेयरिंग ऑफ ईयर्स, स्वेटिंग, और उसके बाद बहुत ही हार्मोन इंक्रीज इन द हार्ट बीट, जैसे कि हमने कहा एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन में क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है हार्ट की कंट्रैक्शन की उसको भी इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे कैटिकोलामाइन क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, तो मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कौन, कैटिकोलामाइन। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई कैटिकोलामाइन क्या है, कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड में, भाई ये गलत स्टेटमेंट है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डिक्रीज नहीं करता है, बढ़ाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या करता है, बढ़ाता, कैसे बढ़ाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है किसकी, ग्लाइकोजन की, उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में इंक्रीज करता है, इसी को कम, ये साथ साथ में क्या करता है, जो फैट्स एंड लिपिड्स हैं, ठीक है, फैट्स एंड लिपिड की ब्रेक डाउन भी करता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे हमने दो याद रखना है, दो दो जो है वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, इन्हीं को हम दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कैटिकोलामाइन, ठीक है,
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है स्ट्रेस के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, और ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, हार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की और रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करते हैं। हम जानते हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है सबके सब, ठीक है। और कैटेकोलामाइन जो है ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन भी करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है जो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है ब्लड में वो भी इंक्रीज होती है, याद रखना आपको, ठीक है। ये मतलब अपोजिट वर्क करते हैं किसके, किसके अपोजिट वर्क करते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन जो है हार्मोन है, ठीक है, उसके अपोजिट वर्क करते हैं कौन, ये एमरजेंसी हार्मोन, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लूको इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को कम करता है, बट जो ये एमरजेंसी हार्मोन है कैटिकोलामाइन है, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है जो, ये क्या करते हैं ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं भाई, याद रखना है। और लिपिड की ब्रेकडाउन भी करते हैं, लिपिड और फैट्स की ब्रेकडाउन भी करते हैं, ठीक है, और प्रोटीन की भी करते हैं, याद रखना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कौन सा टॉपिक, जैसे कि हमने डिस्कस किया एड्रेनल मेड्यूला को, और वैसे हम डिस्कस करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स को। और एड्रेनल कॉर्टेक्स में हमें याद रखना है तीन लेयर में डिवाइड होता है, ठीक है, कौन कौन सी, इनर लेयर से बात करते हैं, इनर लेयर कौन सी है, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। मिडिल लेयर कौन सी है, फैसिकुलेटा, एंड आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब GFR याद रखिएगा, ठीक है, अब GFR रेट नहीं याद रखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं याद रखना है आपको, आपको याद क्या रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि इनर कौन सी है रेटिकुलरिस, मिडिल कौन सी है फैसिकुलेटा, एंड आउटर कौन सी है ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा से आपको याद रखना है, आउटर से इनर भी सीक्वेंस याद रख सकते हो, ठीक है, GFR से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं ये लेयर्स, ठीक है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये सिक्रीट बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं कॉमनली कॉर्टिकॉइड कहते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा था कैटिकोलामाइन, CH8T कैटिकोलामाइन, ठीक है, कैटिकोलामाइन की बात की थी किसमें, एड्रिनल मेड्यूला में। अब इनमें इनमें जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं कॉर्टिकॉइड कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कॉर्टिकॉइड में इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसको कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, प्लीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अब हमने कहा कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कॉर्टिकॉइड, ठीक है। अब कॉर्टिकॉइड में क्या होता है कि कॉर्टिसोल आता है, और कॉर्टिसोल कौन सा कॉर्टिकॉइड है, कौन सा कॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में एक एग्जांपल जिसको हमने कहा कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल आपको याद रखना है, कॉर्टिसोल क्या है बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन जो उसका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, उसको ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमने कहा ग्लूकोज का लेवल तो कोई मेंटेन करेगा, ठीक है, कौन सा कॉर्टिसोल मेंटेन करेगा। अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो मिनरल और कॉर्टिकॉइड, मिनरल्स का बैलेंस भी करना है, नहीं मिनरल्स और वाटर का बैलेंस करना है, ठीक है, और मिनरल्स का बैलेंस कैसे करना है, अब याद रखना आप, हमारी बॉडी में क्या होता है वाटर का बैलेंस भी होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ वाटर होता है, तो इसकी वजह से हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में हमें जैसे कि हमने यहाँ देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में एग्जाम्पल थी कॉर्टिसोल की, अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड में किसकी एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में कौन सा होता है एल्डोस्टीरोन, ठीक है, एल्डोस्टीरोन, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, प्लीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कॉर्टिसोल क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा है एल्डोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में जो बैलेंस है किसका, आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर का, वो मेंटेन करना, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है कॉर्टिसोल, जो क्या करता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नियो मीनिंग क्या होता है सिंथेसिस, ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, लिपोलिसिस कराते हैं, प्रोटियोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन करवाते हैं किसकी किसकी, यहाँ पे देखिए लिपोलिसिस करवाते हैं, प्रोटियोलिसिस करवाते हैं, और इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की यूटिलाइजेशन को क्या करते हैं रोकते हैं कि भाई अमाइनो एसिड यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसमें कौन सी एग्जाम्पल आती है, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की यहाँ पे इन्होंने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जाम्पल दे रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या करता है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बेसिकली याद रखिएगा कि जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है हमारी बॉडी में क्या बनते हैं ग्लूकोज बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, तो याद रखना आपको क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या बेसिकली कॉर्टिसोल है, ठीक है, कॉर्टिसोल कौन सा, ठीक है। और अब देखेंगे हम क्या है कि कॉर्टिसोल क्या करता है साथ साथ में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है
जिसको हम क्या एक एग्जाम्पल जिसके हमने पढ़ी क्या है कॉर्टिसोल, वो किसमें इन्वॉल्व होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है और किडनी के फंक्शनिंग, ठीक है, मैंने सब कहा आपको कि ये इंटरकनेक्टेड है सब, तो याद रखना आपको, अब क्या याद रखना आपको, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल है, ठीक है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी शो करता है और इम्यून सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होती है उसके खिलाफ, मतलब उसको रोकता है, ठीक है, और इम्यून सप्रेसिस द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करता है साथ में, ठीक है, तो समझिए इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए किसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के वो आपको याद रखते हैं, एल्डोस्टेरोन को हमने सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड, ठीक है, बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको याद रखना है, लिपोलिसिस प्रोटीलिसिस और उसका जो अमीनो एसिड का अपटेक है, सेल जो सेल सेल क्या करता है अमीनो एसिड को लेता है तो उसको क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रोकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जांपल बोली थी हमने कॉर्टिसोल, ये करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है उसकी फंक्शनिंग में भी, ठीक है, और किडनी की फंक्शनिंग में भी इन्वॉल्व होता है, तो याद रखना है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी करता है और सब इम्यून रिस्पॉन्स को इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको सप्रेस करता है, ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉर्टिसोल के फंक्शन जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल कौन सा है बेसिकली, कॉर्टिजोल ध्यान से देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आरबीसी के, आरबीसी को क्या करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है किसको, बोन मैरो सेल को, कि आरबीसी बनाओ, ठीक है, आरबीसी सेल की फॉर्मेशन करो, और जो एल्डोस्टेरोन है, अब एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, अब यहाँ से हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली ऑन द रीनल ट्यूब्यूल और क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, हमने कहा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को करेंगे, मेंटेन करेंगे हमारी बॉडी में, तो रीनल ट्यूब्यूल से क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन करता है किसकी, सोडियम आयन की एंड वाटर, उसके बाद एंड एक्सक्रीशन करवाता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन की, ठीक है, एक्सक्रीशन किसकी करवाता है, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन को क्या करता है बाहर फेंकता है, और जो सोडियम आयन है उनको क्या करता है अंदर लेता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पोटाशियम और फॉस्फेट आयन को क्या करता है बाहर फेंकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अब जो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूड बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्रेशर, ये तो क्योंकि अगर वाटर को मेंटेन कर रहा है तो वाटर को मेंटेन करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम ये सब क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे याद रखना है एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड, एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड आर आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये आपको थोड़ा याद रखना है, एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड, एंड्रोजेनिक क्या होता है, जो हमारे कहाँ पे एक्ट करते हैं, जो हमारे जो गोनेट्स हैं वहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है, तो एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड की बात कर रहे हैं, सीक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, गोनेट्स और जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेनिक करेक्टर है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन से है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो एक्सियल हेयर है प्यूबिक हेयर है इनका सबका क्या होता है ग्रोथ होती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम, तो यहाँ से आपको ये लिंक बनता है कि जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में, जैसे ये हो गए, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को भी मेनटेन करता है, ठीक है, एक्सियल हेयर पर प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, ये हमारा टॉपिक था कौन सा, एड्रेनल ग्लैंड, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, थैंक यू।